हेलो हाय उधर रोलिंग करना है चलो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहली बार मैं ऐसा शो जज कर रही हूँ और मुझे बुलाया गया है बहुत बड़ा ऑनर है और आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवनिंग राइट नाउ जज है कोई प्रेशर आई मीन मैं ऐसे कोई प्रेशर लेकर चल नहीं रही हूँ पर अभी आपने मुझे प्रेशर दे दिया थोड़ा पूछ के ये सवाल पर अदरवाइज मैं ही रिलैक्स नहीं क्योंकि नॉर्मली बोलते हैं परफॉर्मेंस करना इजी होता है लेकिन जज करना और भी मुश्किल होता है। हाँ ये मेरा एक्सपीरियंस पहली बार है मैंने इतने जज आई एम नॉट मैंने इतना जज नहीं किया है पर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है एंड आई मीन फेमिना हैज बीन हाउ डू आई से रियली बीन काइंड इनफ टू थिंक दैट आई एम अप्रोप्रिएट फॉर समथिंग लाइक दिस न्यू कमर्स के लिए कितना बेस्ट प्लेटफॉर्म मानती हैं न्यू कमर्स के लिए ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है इस वन ऑफ द बेस्ट आई मस्ट से आई डोंट थिंक इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा क्योंकि यू नो इट इज इट आई मीन वी ऑल नो फेमिना एज किड्स ऑल्सो लाइक वी ग्रोन अप रीडिंग देयर मैगजीन्स वी ऑलवेज हर्ड ऑफ इट सो इट्स समथिंग विच इज पॉपुलर फॉर एवरीबडी टू बी एबल टू रिलेट टू आपके कुछ फोटेज आए थे बीच में सोशल मीडिया पर काफी अप्रिशिएट किया आपके फैंस फ्रेंड्स ने तो मैंने क्या कहना चाहिए सॉरी मैं डिसओरिएंट हूं अब यहां जाओ ना मैं वरना ऐसे जाता हूं हां क्या आपके फैंस ने काफी अप्रिशिएट किया क्या किया था आपके जो फोटेज आए थे सोशल मीडिया पे उसके लिए क्या कहना चाहिए कौन सा फोटेज आया कौन सा पिक्चर्स आए थे कुछ कौन से पिक्चर व्हाट फोटोज ऐसे नॉर्मल फोटोज इंस्टाग्राम पे जो लगते हैं मैं क्या कहना चाहूँगी वो मैंने ही डाले हैं फोटोज तो मुझे अच्छे लगे तो मैंने डाल दिए लेकिन कहीं ना कहीं ट्रोल भी किए जाते हैं वो सब कोई अब कोई ऐसा है ही नहीं जो ट्रोल नहीं होता है यार ये तो आई गेस सोशल मीडिया का नॉर्म बन चुका है वे पीपल इंजॉय बिलिटलिंग एवरीबडी इंस्टेड ऑफ बींग ईच अदर्स वो होता है ना दैट क्लाइंबिंग फ्रॉग स्टोरी दैट यू मस्ट हैव हर्ड एवरीबडी इज ट्राइंग टू आउट देयर टू पुल एवरीबडी डाउन बट इट ओनली बॉदर यू इफ यू लेट इट बॉदर यू मुझे नहीं पता क्यों क्यों किया हाँ जी हाँ जी अच्छा मुझे नहीं पता कि क्यों किसी फोटो के लिए क्या फोटो था हाँ दैट्स रणवीर सिंह फॉर यू मैंने नहीं सुना ये थैंक यू अरे बाबू जरा पीड़ित शादी करा रहे इट्स ऑलवेज नाइस बहुत अच्छा लगता है जब बार बार फेमिना इतनी इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव्स लेती है तो जाहिर सी बात है क्योंकि मेरी इतनी लंबी एसोसिएशन रही है उनके साथ तो मैं सपोर्ट करने ज़रूर आऊँगी सो एम वेरी हैप्पी टू बी जजिंग टुनाइट आई थिंक मेरे लिए सबसे ज़रूरी क्वालिटी इज़ जस्ट फॉर द पर्सन टू बी देमसेल्व्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू नो एवरीथिंग एल्स इज़ सेकेंडरी ट्रोलिंग का केस ज़्यादा बढ़ रहा है ना अभी रणवीर को ट्रोल किया गया पुलिस वाले के गोद में बैठे हुए थे रणवीर ओके उसको ट्रोल किया गया तो उसके लिए क्या कहना चाहिए
I think right now, because I'm a brand new mom, I don't have too much time for social media, but whatever's going on with the trolling and stuff, people have a lot of time to waste, because you know, if they're taking out time to sit and troll other people. And B, more importantly, I think all of us need to have this little shield and block trolls out. But if and when we feel like giving a reply, we should give a very certain and a very hard one. Thank you. Thank you. Okay, visual. Ready. Chalo, bolo. Kya? Usually दूसरी साइड पे होती हूँ हमेशा, जब जज की जाती हूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे लाइफ में. जनरली बहुत रेयर होते ओकेजन जिस टाइम मैं जज हूँ, तो वो अब मुझे पता है कि दूसरी साइड पे लड़कियाँ क्या फील कर रही होंगी, लोग क्या फील करते हैं, तो वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है अपने ऊपर. आजकल के दौर में स्पेशली मुझे लगता है कि हम स्टाइल और फैशन के बीच में ना बहुत कहीं खो गए हैं. स्टाइल वो होता है जो आप ओन करते हो, जो आपका अपना होता है, आपका यूनिक होता है. तो मैं उस बेसिस पे जज करने वाली हूँ कितने लोग यहाँ पे जो आए हैं वो ओन करते हैं अपने स्टाइल को, वो उनका अपना यूनिक स्टाइल है, वो किसी को कॉपी करने के चक्कर में कुछ और नहीं बन रहे. सो मेरा वो क्राइटेरिया होने वाला है. सोशल मीडिया पे नॉर्मली अभी ट्रोलिंग ज़्यादा बढ़ गई है. मैं वो तो कब से चल रही है, अभी ज़्यादा बढ़ गई रिसेंटली. अभी क्या बात कर रहे हो, अभी बढ़ी है? मेरे साथ तो पहले से बहुत हो रही थी, आजकल मतलब अच्छा मेरे को पता ही नहीं एक्चुअली क्या ट्रोल किया गया उनको, या तो बता दो फिर मैं उस पर कॉमेंट कर दूँ. यार अपनी ट्रोलिंग से मैं बहुत बिजी हूँ उसके अंदर, मेरे को दूसरों की ट्रोलिंग का भी कुछ ज़्यादा पता नहीं है. अपनी ट्रोलिंग मेरी काफ़ी होती है तो मैं उसमें बिजी रहती हूँ. यार बहुत कुछ रिलीज होने वाला है, अभी 8 मार्च को बदला देख लो, उसके बाद बात करते हैं बाकी सबके बारे में. ठीक है, चलो बाय. विजुअल्स अभी तो दिए थे. Visuals. Visuals.